वेलकम बैक दोस्तों, आज मैं एक्सप्लेन करूंगा एक मिस्टीरियस फिल्म अननोन ओरिजिन्स। ये कहानी है एक ऐसे क्रिमिनल की जो अपने आप को हीरो समझता है और कुछ सुपर हीरोज की ओरिजिन स्टोरी को रिक्रिएट करता है। फिल्म की शुरुआत होती है एक जगह से जहां पर आग लगी होती है। एक बूढ़ी औरत आग में फंस जाती है, इंस्पेक्टर उसे बचाता है। वह उसे कहती है कि मेरे हस्बैंड वहां अंदर फंसे हैं। उसी वक्त इंस्पेक्टर को कॉल आता है कि तुम वापस आ जाओ, लेकिन वह उस आदमी को बचाने जाता है। वहां पर उसकी मौत हो जाती है। एक न्यूज़पेपर में उस इंस्पेक्टर की बहुत प्रशंसा होती है, उसे पोस्टमीथियस मेडल से सम्मानित किया जाता है। उसके बाद हमें एक सीन दिखाया जाता है जहां पर इंस्पेक्टर कॉस्मे अपने बेटे को पुकार रहे होते हैं। उसी वक्त इंस्पेक्टर कॉस्मे को एक कॉल आता है। वह कॉल एक इंस्पेक्टर का होता है। इंस्पेक्टर उसे बुलाते हैं और इंस्पेक्टर कॉस्मे वहां पर चले जाते हैं। यहां पर जॉर्ज, जो इंस्पेक्टर कॉस्मे का बेटा होता है, उसका एक ऑर्डर आ जाता है। जॉर्ज ने एक इलेक्ट्रिक गैजेट ऑर्डर किया होता है। जॉर्ज कहता है कि देखता हूँ अब मुझे कौन परेशान करता है। इंस्पेक्टर कॉस्मे इंस्पेक्टर डेविड से मिलते हैं। दोनों गिफ्ट स्टोर से बाहर निकलते हैं। सामने ही वो दोनों एक मर्डर की इन्वेस्टिगेशन करते हैं। एक आदमी की बहुत बुरी तरह से मौत हुई होती है। उसकी डेड बॉडी की हालत देखकर इंस्पेक्टर डेविड को उल्टी आ जाती है। फिर वह दोनों यूनिफॉर्म क्लीनिंग के लिए जाते हैं। इंस्पेक्टर कॉस्मे डेविड से पूछते हैं कि तुम एक कॉप क्यों बने। डेविड कहता है कि लोगों को लगता है कि मेरे पेरेंट्स का किसी ने मर्डर कर दिया था, इसीलिए उन्हें इंसाफ दिलाने के लिए मैं कॉप बना, पर ऐसा लोग सोचते हैं। इंस्पेक्टर कॉस्मे डेविड को एक मेडिकल रिपोर्ट बताते हैं जो उन्हें उस डेड बॉडी के पास मिली थी जिसमें बेल्बिनो बेलेकस का नाम होता है। डेविड और कॉस्मे दोनों इन्वेस्टिगेशन के लिए बेल्बिनो बेलेकस के घर चले जाते हैं। वहां उन्हें पता चलता है कि बेल्बिनो फिजिक्स पढ़ाता था और उसने ब्रुसेल इंटेलिजेंस के साथ एनर्जी प्रोग्राम में भी काम किया था। बेल्बिनो की एक फोटो मिलती है। इंस्पेक्टर को पता चलता है कि उसका स्किन कलर तो नॉर्मल है। इंस्पेक्टर कॉस्मे कहते हैं कि यह एक मर्डर है। इंस्पेक्टर कॉस्मे और डेविड दोनों लेबोरेटरी में जाते हैं। वो केमिस्ट ब्रुगेरा से मिलते हैं। ब्रुगेरा उन्हें बताता है कि इस विक्टिम ने कई सारे स्टेरॉइड्स और सप्लीमेंट्स लिए थे जिसके कारण उसकी मसल्स इतनी तेजी से ग्रो हुई कि उसकी बॉडी क्रैक हो गई। वह लगातार एक्सरसाइज करता गया जिससे उसके हाथ टूट गए और वह मर गया। इंस्पेक्टर कॉस्मे पूछते हैं कि उसकी बॉडी का कलर ग्रे क्यों है। ब्रुगेरा उन्हें बताता है कि इससे मेडिसिन दी गई है, किलर इन्हें एंग्री दिखाना चाहता था। उसी वक्त वहां पर कॉस्मे की बॉस आ जाती है। डेविड उसे देखकर शॉक हो जाता है। डेविड कहता है कि क्या यह तुम्हारी बॉस है। कॉस्मे की बॉस का नाम नॉर्मा होता है। वह कॉस्मे को रिटायरमेंट के लिए फोर्स करती है। इंस्पेक्टर कॉस्मे घर आ जाते हैं। यहाँ इंस्पेक्टर डेविड को किसी का कॉल आ जाता है। इंस्पेक्टर डेविड म्यूजियम में आते हैं तो उन्हें कटा हुआ हार्ट दिखता है। किलर ने एक इंसान को आयरन आर्मर में फिट किया होता है और उसका हार्ट निकालकर अलग रख दिया होता है। यहाँ पर जॉर्ज को साइंटिस्ट की फोटो दिखती है। जॉर्ज कहता है कि यह हल्क की तरह दिख रहा है। कॉस्मे कहता है कि हल्क का स्किन कलर तो ग्रीन है। जॉर्ज उसे बताता है कि फर्स्ट एडिशन में हल्क का स्किन कलर ग्रे था। अगले दिन कॉस्मे की बॉस उसे रिटायरमेंट लेटर देती है। वहां पर कॉस्मे को इन्वेस्टिगेशन के बहुत से क्लू दिखते हैं। कॉस्मे उनमें से एक फोटो रख लेता है। कॉस्मे इन्वेस्टिगेशन के लिए जाता है तो उसे पता चलता है कि किलर ने हल्क की ओरिजिन स्टोरी को रिक्रिएट किया है। इंस्पेक्टर कॉस्मे उसकी बॉस को बताता है कि एक केस में किलर ने इनक्रेडिबल हल्क की ओरिजिन स्टोरी को रिक्रिएट किया है और नेक्स्ट केस में किलर ने आयरन मैन की ओरिजिन स्टोरी को रिक्रिएट किया है। उनकी बॉस डेविड को कहती है कि तुम्हारे पास एक एक्सटर्नल एडवाइजर है जिसकी हेल्प से तुम नेक्स्ट मर्डर का पता लगाओ। डेविड जॉर्ज से मिलता है। जॉर्ज एक्सटर्नल एडवाइजर होता है। दोनों म्यूजियम में आते हैं। डेविड जॉर्ज को चेक करने के लिए कहता है ताकि कुछ क्लू मिल जाए। जॉर्ज को लॉर्ड ऑफ द रिंग्स के सेट में एक एक्स्ट्रा एक्स दिखता है। वह डेविड को कहता है कि लॉर्ड ऑफ द रिंग्स के सेट में यह एक्स नहीं था जब तक के पीटर जैक्सन ने उस मूवी में से कुछ डिलीटेड सीन्स ऐड नहीं किए। डेविड उस एक्स को केमिस्ट के पास ले जाता है। ब्रुगेरा फिंगरप्रिंट के निशान निकालता है। वह कहता है कि क्रिमिनल ने इस पे फिंगरप्रिंट्स जानबूझकर लगाए हैं। ब्रुगेरा डेविड को बताता है कि फिंगरप्रिंट्स की रिजल्ट आने में थोड़ा समय लगेगा। नाइट
नाइट में इंस्पेक्टर डेविड कॉमिक बुक स्टोर में आता है। वहाँ पर उसे बहुत सी कॉमिक बुक दिखती हैं। डेविड कॉमिक बुक चेक करता है। जॉर्ज उसे कुछ कॉमिक बुक ला कर देता है। जॉर्ज कहता है कि मैंने सभी कॉमिक बुक्स कलेक्ट की है जिसमें सुपर हीरोज की ओरिजिन स्टोरीज है। डेविड घर आ जाता है, वह कॉमिक बुक पढ़ने लगता है। डेविड बुक पढ़कर बोर हो जाता है। उसी वक्त वहाँ पर नॉर्मा आ जाती है। नॉर्मा उसे बताती है कि एक्स वाली ट्रिक काम कर गई, हमें एक सस्पेक्ट मिला है जिसका नाम है जॉर्डी फोरम, जो एक फायरमैन है। डेविड उसे ढूंढने जाता है तो नॉर्मा उसे कहती है कि तुम जॉर्ज को पिक कर लेना। डेविड जॉर्ज को पिक करता है। वह एक जगह पर पहुंचते हैं जहां बहुत भीड़ होती है। डेविड पूछता है कि यहाँ पर क्या हुआ था। एक ऑफिसर उसे बताता है कि उस बिल्डिंग में से 2 दिन से धुआं निकल रहा है, उसी वक्त ब्लास्ट हो जाता है। इंस्पेक्टर डेविड और जॉर्ज वहाँ जाते हैं, वहाँ पर नॉर्मा भी आ जाती है। सब घर के अंदर जाते हैं, उन्हें वहाँ पर ग्लास के पीछे एक जलता हुआ आदमी दिखता है। नॉर्मा उस ग्लास को फोड़ती है, आग बुझाती है। डेविड कहता है कि यह तो फैंटास्टिक फोर के सुपर हीरो ह्यूमन टॉर्च की ओरिजिन स्टोरी की तरह है। तभी वह जला हुआ इंसान जॉर्ज का गला पकड़ लेता है और वह एकदम से मर जाता है। उसके बाद डेविड और नॉर्मा दोनों ब्रुगेरा के पास आते हैं। ब्रुगेरा उन्हें बताता है कि इसकी बॉडी गल चुकी है और इसे 3 दिन तक लगातार जिंदा जलाया गया है। डेविड और नॉर्मा दोनों वहां से जाने लगते हैं। डेविड नॉर्मा से पूछता है कि तुमने मिस्टर कॉज्मे को रिटायरमेंट के लिए फोर्स किया, मुझे उनकी ज़रूरत है। नॉर्मा बताती है कि इंस्पेक्टर कॉज्मे को कैंसर था। डेविड यह सुनकर चौंक जाता है। डेविड नॉर्मा को समझाता है कि इंस्पेक्टर कॉज्मे घर पर खुश नहीं होंगे, एक कॉप के लिए उसके जॉब से इंटरेस्टिंग कुछ भी नहीं है। डेविड कॉज्मे के यहाँ पर जाता है। वह जॉर्ज के रूम में एंटर करता है तो उसे कॉमिक बुक्स, पोस्टर और सुपर हीरोज टॉय का कलेक्शन दिखता है। सभी साथ में डिनर करते हैं। जॉर्ज डेविड को कहता है कि तुम्हारी लाइफ में कोई प्रॉब्लम्स नहीं है। डेविड उसे अपनी स्टोरी सुनाता है। डेविड कहता है कि हम एक दिन मूवी देखने गए थे, वहाँ से घर आते टाइम हमें कुछ चोर मिले, उन्हें पैसे चाहिए थे। मेरे पापा ने उन्हें पैसे देने से मना कर दिया। उन्हें एक चोर ने गोली मार दी, फिर मेरी मम्मी चिल्लाने लगी तो उन्हें भी गोली मार दी, बट मुझे छोड़ दिया। जॉर्ज कहता है कि तुमने उन चोरों की तलाश क्यों नहीं की। जॉर्ज नॉर्मा से उस केस की फाइल्स रीओपन करने को कहता है और उन फाइल्स को ढूंढने के लिए चले जाता है। नॉर्मा फाइल निकाल कर डेविड को देती है। उन्हें पता चलता है कि यह वही किलर है जो अभी सुपर हीरो की ओरिजिन स्टोरी रिक्रिएट कर रहा है। जॉर्ज डेविड को बताता है कि तुम्हारे जरिए किलर ने बैटमैन की ओरिजिन स्टोरी रिक्रिएट की है। यहाँ बोर्ड पर सभी हीरोज की ओरिजिन स्टोरी के नाम लिखे होते हैं। सभी नेक्स्ट मर्डर का पता लगाने की कोशिश करते हैं। उसी वक्त जॉर्ज उन्हें बताता है कि किलर सभी सुपर हीरोज की ओरिजिन स्टोरी रिक्रिएट नहीं कर रहा है, वह सिर्फ कुछ स्पेशल गोल्डन एडिशन सुपर हीरो कॉमिक बुक्स की ओरिजिन स्टोरी रिक्रिएट कर रहा है। डेविड और जॉर्ज एक कॉमिक बुक स्टोर में जाते हैं। यह स्टोर पैको का होता है। जॉर्ज डेविड से कहता है कि पैको ने यह स्टोर बहुत दिनों से बंद कर दिया है, अब यह इल्लीगली सेल करता है। जॉर्ज पैको को एक नोट देता है और कहता है कि इन कॉमिक बुक्स का ओरिजिनल एडिशन किसके पास है। पैको कहता है कि मैं तुम्हें बता दूंगा, बट इसके पहले तुम्हें मुझे सभी पॉपुलर एक्टर्स के ऑटोग्राफ ला कर देना होगा। जॉर्ज मान जाता है। पैको बताता है कि यह सभी इश्यूज पूरे स्पेन में एक ही इंसान के पास है जो मैड्रिड में है। डेविड को पता चलता है कि यह कॉमिक बुक्स वेक्टर विट के पास है। डेविड जॉर्ज को घर पर ड्रॉप करता है। वह वेक्टर विट के एड्रेस का पता लगाता है। डेविड वेक्टर के घर जाता है, उसे वेक्टर की डेड बॉडी दिखती है। उसी वक्त वहां पर कोई हेलुसिनेशन की गैस रिलीज कर देता है जिसके कारण डेविड को भ्रम होने लगता है। उसी वक्त वहां पर एक आदमी आता है जिसने एक मास्क पहना होता है। डेविड को हेलुसिनेशन गैस के कारण वह आदमी बहुत डरावना दिखता है। डेविड कहता है कि अगर तुम मुझे मारना चाहते हो तो मार दो, बट उससे पहले तुम्हें मुझे अपना नाम बताना होगा। वह आदमी अपना नाम नोवेरो बताता है। वह डेविड को मारने ही वाला होता है तो वहां पर नॉर्मा आ जाती है। वह डेविड को बचा लेती है और नोवेरो भाग जाता है। यहाँ नॉर्मा डेविड से बात कर रही होती है। वह कहती है कि तुम इस केस को अब अकेले हैंडल नहीं कर सकते। वहाँ पर जॉर्ज आ जाता है। नॉर्मा अपने ऑफिस में आती है। उसे पता चलता है कि वेक्टर विड एक मिलेनियर था। यहाँ बोर्ड पर बहुत सी कॉमिक बुक स्टोरीज होती है। जॉर्ज डेविड को बताता है कि यह सभी बेस्ट
ओरिजिन स्टोरीज है। नॉर्मा और डेविड ब्रगेरा के पास जाते हैं। वह उन्हें बताता है कि वेक्टर को किलर ने 4 साल पहले मारा था और वह उसकी आइडेंटिटी यूज कर रहा था। ब्रगेरा बताता है कि इसकी बॉडी से पोलिनियम 200 ट्रेन के ट्रेसेस मिले हैं। नॉर्मा शॉक हो जाती है। वह कहती है कि रेडिएशन नेशनल सिक्योरिटी का इशू है, अब यह केस इंटेलिजेंस हैंडल करेंगी। डेविड पूछता है कि क्या किसी तरह से हमें कुछ एक्स्ट्रा टाइम नहीं मिल सकता। ब्रगेरा कहता है कि मैं किसी तरह से रिपोर्ट को डिले कर सकता हूँ। डेविड वहाँ से जाने लगता है तो नॉर्मा उससे पूछती है कि तुम कहाँ जा रहे हो। डेविड कहता है कि मैं एक बेस्ट कॉप के पास जा रहा हूँ, मुझे उसकी ज़रूरत है। डेविड कॉस्मे से मिलने आता है, उसे पूरी बात बताता है। कॉस्मे डेविड को बताता है कि हम लेट हो चुके हैं, यहाँ न्यूज़ में एक लड़के का मर्डर दिखाया जाता है। फिर डेविड, नॉर्मा और जॉर्ज तीनों बात कर रहे होते हैं। डेविड कहता है कि कुछ देर बाद ब्रगेरा रिपोर्ट सेंड कर देगा और हमारे हाथ से केस निकल जाएगा, और यहाँ पर हमें ये भी नहीं पता चला कि किलर चाहता क्या है। जॉर्ज डेविड से कहता है कि तुम्हें पता है, बस तुम एक्सेप्ट नहीं करना चाहते हो। नोवारो अपने आप को एक सुपर विलन समझता है, उसे एक सुपर हीरो चाहिए जो तुम हो। डेविड गुस्सा हो जाता है और जॉर्ज को बता देता है कि उसके डैड की तबीयत बहुत खराब है। जॉर्ज उसके डैड की केयर करने लगता है। जॉर्ज उसके डैड को एक सूट दिखाता है जो उसके बड़े भाई का होता है। नाइट में डेविड जॉर्ज के कॉमिक बुक स्टोर में आता है। वहाँ उसे एक गार्ड कहता है कि बिना किसी फैंसी कॉस्ट्यूम के तुम अंदर नहीं जा सकते। वह डेविड को एक कॉस्ट्यूम देता है। डेविड कॉस्ट्यूम पहन के अंदर चला जाता है। डेविड जॉर्ज से बात करता है। जॉर्ज डेविड की कॉस्ट्यूम देखकर चौंक जाता है। वह डेविड का नाम एपेक्स रखता है। डेविड जॉर्ज से पूछता है कि नॉर्मली एंड में क्या होता है। जॉर्ज बताता है कि विलन हीरो के किसी क्लोज वन को हर्ट करता है, जैसे कि स्पाइडरमैन में ग्रीन गॉब्लिन, बैटमैन में जोकर। डेविड समझ जाता है कि अब विलन इंस्पेक्टर कॉस्मे को मारने की कोशिश करेगा। वह सब नॉर्मा को बताता है। वह नॉर्मा आ जाती है। उसी वक्त उन्हें एक कॉल आता है जो नोवारो का होता है। नोवारो बताता है कि मैंने लेमन जूस में पोलिनियम मिक्स किया है, अगर तुमने मेरी बात नहीं मानी तो मैं पूरे शहर के पानी में इसे इंजेक्ट कर दूंगा। डेविड पूछता है कि बताओ मुझे क्या करना है। नोवारो बताता है कि कॉस्मे मेरे कब्जे में है, अगर तुम उसे बचाना चाहते हो तो तुम्हें सुपर हीरो कॉस्ट्यूम में अकेले आना होगा। जॉर्ज डेविड को सुपर हीरो कॉस्ट्यूम देता है जो उसके भाई की होती है। डेविड उसे पहनकर किलर के पास जाता है। नॉर्मा उसे अकेले जाने नहीं देती है। डेविड नॉर्मा को बहाना बनाकर बीच में ही ड्रॉप कर देता है। यहाँ नोवारो ने कॉस्मे को किडनैप किया होता है। वह कॉस्मे से कहता है कि लास्ट मर्डर बहुत ही इंटरेस्टिंग होगा, एक व्हीलचेयर पर एक्समैन के प्रोफेसर चार्ल्स जेवियर की तरह। उसके बाद नोवारो कहता है कि एक ही इंसान है जिसने नोवारो का पता लगाया, वो है इंस्पेक्टर कॉस्मे। इंस्पेक्टर कॉस्मे बताता है कि वेक्टर विट का मर्डर करने वाला एक डॉक्टर है जिसका नाम है डॉक्टर जोनाथन बी, मीन्स जोनाथन ब्रगेरा। नोवारो कहता है कि मैंने तुमसे यही एक्सपेक्ट किया था। कॉस्मे कहता है कि तुमने डेविड के पेरेंट्स को क्यों मारा। ब्रगेरा बताता है कि मैंने उन्हें नहीं मारा, मैंने बस उस मर्डर का इल्जाम अपने सर पर लिया है। कॉस्मे उसे बताता है कि अगर डेविड यहाँ आया तो वह तुम्हें मार देगा। ब्रगेरा कहता है कि नोवारो को मरना होगा। डेविड वहाँ पहुँचता है। कॉस्मे ब्रगेरा से कहता है कि डेविड यहाँ पर कोई कॉस्ट्यूम में नहीं आएगा। तभी उसे पता चलता है कि डेविड एक सुपर हीरो कॉस्ट्यूम में आया है। ब्रगेरा अपने फेस में केमिकल इंजेक्ट करता है। कॉस्मे कहता है कि क्या तुम अपने आप को हीरो समझते हो, तुमने एक छोटे से बच्चे का मर्डर किया है। ब्रगेरा बताता है कि मैंने जिसे भी मारा वह इनोसेंट नहीं था, उस बच्चे ने एक 6 साल की बच्ची का रेप किया था। बेल्बिनो ने स्कूल के पास केमिकल डंप किया था और एनजोन फैक्ट्री में ड्रग सप्लाई का काम करता था। कॉस्मे कहता है कि तुम्हें क्या लगता है, ये सही है। ब्रगेरा बताता है कि सब कुछ सही है अगर इससे एक हीरो को इंस्पिरेशन मिलती है, अगर इससे एक हीरो का बर्थ होता है तो। ब्रगेरा अपने फेस को एसिड में डुबा देता है, उसका फेस जल जाता है। फिर ब्रगेरा मास्क पहन लेता है। वहाँ डेविड आ जाता है। नोवारो उसे गन ड्रॉप करने को कहता है। फिर वह कॉस्मे को मार देता है और दोनों की फाइट स्टार्ट हो जाती है। नोवारो कहता है कि मैं तुमसे कुछ नया एक्सपेक्ट कर रहा था। तभी डेविड उसे एक डिवाइस से इलेक्ट्रिक शॉक दे देता है।
डेविड नोवारो का मास निकालता है। नोवारो कहता है कि दुनिया में शैतान का कोई चेहरा नहीं होता। फिर नोवारो उस जगह से नीचे गिरने लगता है। ब्रुगेरा डेविड से कहता है कि मैंने हार मान ली, तुम एक इंस्पेक्टर हो, तुम मुझे बचा लो। डेविड कहता है कि क्या तुम्हें यहाँ पर कोई इंस्पेक्टर दिख रहा है? मैं इंस्पेक्टर नहीं, मैं एपेक्स हूँ। यह देखकर नोवारो खुश हो जाता है और वह एसिड में गिर जाता है। सभी को कॉस्मे की मौत का अफसोस होता है। यह कहानी का एक अच्छा अंत हो सकता था, बट नहीं। 3 महीने बाद सब चेंज हो गया। नॉर्मा, डेविड और जॉर्ज तीनों मिसिंग ब्रुगेरा की तलाश में लग जाते हैं। वह मिसिंग होता है। सभी सबूत वेक्टर वीट के घर की ओर इशारा करते हैं। वह तीनों वेक्टर वीट के घर पे आ जाते हैं। पुलिस ने वहाँ पर तलाश की होती है, बट उन्हें वहाँ कुछ नहीं मिलता है। वहाँ पर एक घड़ी होती है जिसमें जॉर्ज वह टाइम सेट करता है जब बैटमैन के पेरेंट्स की मौत होती है। तभी वहाँ पर एक गेट ओपन होता है। फिर हमें एक जगह दिखाई जाती है जहाँ से नोवारो सब कुछ मॉनिटर करता था। वहाँ जरूरत की सभी चीजें थी जो एक सुपर हीरो को चाहिए। डेविड जान जाता है कि उसे क्या करना है। जॉर्ज कहता है कि यह बहुत अच्छा होगा अगर हम एपेक्स को जब चाहे तब बुला सके। फिर हमें एक सीन दिखाया जाता है जहाँ पर एपेक्स खड़ा होता है और हमारी स्टोरी खत्म हो जाती है। इस मूवी के डायरेक्टर है डेविड गैलन और इसे IMDb पर 6.1 की रेटिंग मिली है। दोस्तों, आपको यह मूवी कैसी लगी मुझे कमेंट में जरूर बताइएगा। अगर आप इस चैनल पर नए हो तो इसे सब्सक्राइब कर दीजिए। मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।